हमारी मीटिंग लगातार हो रही है और ये बात बिल्कुल सच है कि जो टिकट आमंत्रण इस बार होगा वो शुद्ध रूप से मेरिट पर है और मेरिट पर होना भी चाहिए। ये तेरा मेरा करके कभी कभी विवाद पैदा होता है, उसको खत्म कर जो लोग धरातल पर हैं, जो जीतने की संभावनाएं रखते हैं, उस आधार पर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कांग्रेस पार्टी करेगी और मुझे लगता है कि बहुत जल्द इस पर हम अंतिम निर्णय पार्टी लेगी। AICC और PCC लगातार चर्चाएं हो रही हैं, हमारे पर्यवेक्षक लगातार गांव में, ढाणियों में, कस्बों में जाके कांग्रेस कार्यकर्ताओं का फीडबैक ले रहे हैं। टिकट का जब फाइनल लिस्ट आएगी देखिएगा तो जितने लोगों को हमने पिछली बार मौका दिया था युवाओं को, उससे ज्यादा हम लोग देंगे। लेकिन विनेबिलिटी क्राइटेरिया है, नौजवान है हमारे, SC ST OBC दलित माइनॉरिटी, सब लोगों को हम प्राथमिकता देंगे, लेकिन विनेबिलिटी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए बहुत गहन रूप से चर्चा हो रही है, अध्ययन हो रहा है, फीडबैक लिया जा रहा है अलग अलग सोर्सेज से और कांग्रेस का जो आलाकमान है बहुत गंभीर है कि कैसे हम जीता उम्मीदवार को टिकट यहां पर दें। कुर्सी किससे बचाने में, कुर्सी किससे बचाने में, ये भी देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि जो अमित शाह जी ने और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में केंद्र में बैठे हुए मंत्रियों ने जिस प्रकार से सरकार गिराने का षड्यंत्र किया और मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में वो सफल हो गए, तो उनको खुद को सोचना चाहिए कि उनके बयान से ये बू आती है कि भाई सरकारें, चुनी हुई सरकारें गिराने का हमारा प्रमुख धंधा है। तो वो खुद ही अपनी बात को ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग इस सरकारों को गिराने में चाहते थे लेकिन सरकार नहीं गिरने दी। भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़ रहे थे, मुंगेरी लाल के असीन सपने दे रहे हैं, ले रहे हैं, 8-10 मुख्यमंत्री बने घूम रहे हैं, उनका खुद का ठिकाना नहीं है, वो चुनाव जीतेंगे नहीं जीतेंगे। देखिए जी, एक घबराहट है, लीडर वहीं ज्यादा आते हैं जहां से उनको खतरा हो कि हमारा काम क्या। राजस्थान से बीजेपी गई और कांग्रेस आएगी कि आधे लोग कुर्सी के पीछे पड़े हैं, आधे बचाने के। पूरी कांग्रेस कांग्रेस के साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री जी, आपको यहां आकर पूरे हिंदुस्तान के लिए कोई किसी को देना चाहिए, रास्ता देना चाहिए कि हमारी ये योजनाएं होंगी। आप अपना विजन देकर जाओ कि 5 स्टेट्स में इलेक्शन है, हम हिंदुस्तान इंडिया के लेवल पर क्या काम करेंगे। आप अकेले राजस्थान के प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं, आप पंजाब के भी प्राइम मिनिस्टर हैं और हम सभी जो खड़े हैं, हमारे सभी के प्राइम मिनिस्टर हैं। आप वो बात करो जो नेशनल लेवल की बात होनी चाहिए। छोटी पॉलिटिक्स में जाकर जुतबा मत कम करिए। प्राइम मिनिस्टर का आपको बरकरार रखना चाहिए उस रुतबे को कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, ना कि एक स्टेट के या एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे नेशनल लेवल के ऊपर हम पहले भी इनके साथ करते हैं। जब भी कोई बात आती है तो पूरी अपोजिशन सरकार के साथ उनकी फेवर में आते हैं। अगर ऐसी बात करेंगे तो भाई कैसे चलेगा देश।